उन विशिष्ट पंच श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए जिसके माध्यम से निखिलेश्वरानंद पूर्ण रूप से गुरु रूप में आपके सामने स्पष्ट होते हुए आपको चैतन्य दीक्षा दे सकें और चैतन्य मंत्रों के साथ समावेश हो सकें आपके शरीर में, आपके प्राणों में, आपकी चेतना में, आपके जीवन में। इसलिए मैं निखिलेश्वरानंद से संबंधित उन पांचों श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय है और ये पांचों श्लोक भी पहली बार ही उच्चरित हो रहे हैं। आदो वदानम परमं स्वदेयं प्राणं प्रमेयं परसं प्रभूतं पुरुषोत्तमां पूर्णमदैवरूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं प्रणामि अहिर्भूतरूपं सिद्धाश्रमोऽयं पूर्णस्वरूपं चैतन्यरूपं दीर्घोवतां पूर्णमदैव नित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि ब्रह्माण्डमेवं ज्ञानोर्णवापं सिद्धाश्रमोऽयं सवितं सदेयम् अजन्मं प्रमां पूर्णमदैव चित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि गुरुर्वै त्वमेवं प्राणः त्वमेवं आत्मा त्वमेवं श्रेष्ठ त्वमेवं आविर्भयां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि प्रणम्यं 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 परेशां प्रणम्यं 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 दिवेशां प्रणम्यं 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 सुरेशां निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं।